हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। तो जैसा कि आज के दिन एक तो बीजीएमआई का अपडेट आने वाला है 2.7 का, जिसमें ड्रैगन बोजी करके कुछ अपडेट है उसका, ठीक है। और उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट वीडियो थी कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को पूछ रहे हैं मेरे से कि आप जो रील्स डालते हैं यूट्यूब पे तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम गाइस बताएंगे उनको कि ये रील्स हम बनाते कैसे हैं अपनी शॉर्ट्स की जो भी हैं। तो इसके लिए हमको इनशॉट डाउनलोड करना है। मैं इनशॉट से बनाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनशॉट में पहले आपको जाना है वीडियो में, जो भी आपके पास वीडियो है, जैसे मान लो उसको वीडियो पड़ी है अभी। अच्छा, ना जैसे आप मान लो ये वीडियो है, ठीक है, इसमें मैंने ये रिमूव करना है, ये रिमूव हो जाएगा। ऐड क्लिक करोगे तो रिमूव ऐड का ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको जाना है इसमें, इसमें रेशियो में, तो रेशियो सेट रहने देना, जूम में करना, जूम में इसका पूरा कर देना। उसके बाद और कुछ इसमें करना नहीं है हमको, इसको मैं बता रहा हूँ, इसको रिमूव ऐड वाले पे रिमूव ऐड करोगे तो एक वीडियो चलेगी और फिर वो रिमूव कर देगी उस चीज़ को। उसके बाद अपने को करना क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप है अपना, इसका पिप पिप पे दबाना है। पिप पे दबाने के बाद फोटो पे जाना है। फोटो में आप लोगों के पास ऐसे, मैंने जैसे ये सिंबल ले रखे हैं, कुछ डाउनलोड कर रखे हैं बाहर से, इसको बराबरी से आपको सेट करना है अपने हिसाब से। इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और इसको जहाँ तक आपकी क्लिप है ना, वहाँ तक करना है। उसके बाद इसको करना है अपने को डन, और वीडियो पे जाके अपने को स्पीड पे जाके, मान लो आप वो अपने हिसाब से सेट करते हैं। जैसे मेरी 50 सेकंड की वीडियो है तो वो कन्वर्ट होके 39 सेकंड्स में हो जाएगी, और देख सकते हो आप, मतलब कुछ ज़्यादा स्पीड तेज भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम रखनी है 0, क्योंकि आप बाद में गाना सेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो स्पीड देखो इसमें थोड़ा सा अभी ज़्यादा है, इसमें मेरे को रखनी पड़ेगी 1.40 की, तो बेस्ट स्पीड रहेगी। ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है पर चलेगा इतना। उसके बाद फिर आपको इसमें करना क्या है, आगे आगे इसमें आपको टेक्स्ट पे दबाना है। टेक्स्ट में आपको जो भी लिखना है, जैसे वेट फॉर ओपी क्लच, जैसे मान लो ये लिखना है आपको। आपके पास फॉन्ट रहेगा, पहले बता रहा हूँ, एडिट करेंगे ना, जैसे आपके पास यहाँ पे फॉन्ट रहता है, मैंने लॉफ्टर सेलेक्ट कर रखा है, बाकी कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको लेके ऊपर चले जाना अपने को यहाँ पे, और इसको कर देना है हमको बड़ा, ये एकदम परफेक्ट है। इसके बाद इसको करना है अपने को पूरा क्लिप एंड तक, ये क्लिप एंड तक ऊपर वेट फॉर ओपी क्लच लिखा आएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है अपने को। उसके बाद इसको हमको सेव करना है फ़ोन में, रेजोल्यूशन में। हाँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं, मेरी 4K में आई थिंक रिकॉर्ड थी, तो मैं 4K 60 FPS का फ्रेम रेट डाल के सेव कर दूंगा इसको, ठीक है। ये सेव होने के बाद, जैसे मान लो कुछ टाइम लगाएगा सेव होने में, उसके बाद एक ऐड चलेगी, उसका ऐड को आप स्किप भी करते हैं, सीधा गैलरी में आ जाना, आपका बनके रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि, और हाँ, जब तक आप इसको एडिट कर रहे हैं, मतलब जो ये सर्कल अभी रोटेट कर रहा है परसेंटेज पे, इस बीच में आपको कोई भी स्विच नहीं करना है टैब को। मतलब मान लो आपने इसको सोचा कि होता रहेगा और मैं बैक जाके कुछ और काम कर लेता हूँ, वो नहीं करना है। उस बेस पे वो कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको प्रोसेस में लगा के, मतलब फिर से आपको सेव करना पड़ेगा, वो 100% लेगा पूरा वापसी सेव होने में। तो ऐसा बीच में मत करना, वरना वो वापस चला जाएगा, फिर आप पूछोगे भाई ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा। तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा इस, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है, जो ज़्यादा बड़ी फाइल हो जाती है तो उसमें लगाता है टाइम, और जो छोटी, जैसे मान लो कोई 15-20 सेकंड की बनी है कोई वीडियो और क्वालिटी भी सही है, तो उसमें ये फटाफट अपडेट मतलब सेव कर देता है रील को।
80% हो चुका है 1 मिनट के अंदर अंदर ही, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स 3 मिनट्स, 2 मिनट्स लेगा बस सेव होने में। बाकी अगर लंबी फाइल है जैसे कोई वीडियो एडिट कर रहा है मान लो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सेव हो चुकी है, इसको सीधा हम बैक चले जाते हैं, ये हमारी गैलरी में आ चुकी है नीचे। देखिए गाइस ये रही, ये इनशॉट वाला हट जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था उससे, पर वो वीडियो चलती तो मैं नहीं हटा पाया।